दोस्तों, आज हम बात करेंगे ब्लैक होल्स के बारे में। आप सबने ब्लैक होल्स के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या आपको पता है ब्लैक होल के अंदर क्या होता है? आज हम ये मिस्ट्री सॉल्व करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ब्लैक होल्स विशाल और शक्तिशाली एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स होते हैं। ये इतने ताकतवर होते हैं कि इनकी ग्रेविटी से रोशनी भी बच नहीं सकती। अब सोचिए, अगर रोशनी भी नहीं बच सकती तो अंदर क्या होगा? सबसे पहले हम ब्लैक होल के फॉर्मेशन को समझते हैं। ब्लैक होल्स तब बनते हैं जब एक विशाल तारा अपनी जिंदगी के अंत में कोलैप्स हो जाता है। ये कोलैप्स इतना इंटेंस होता है कि तारे की सारी मास एक छोटे से बिंदु में सिमट जाती है, जिसे सिंगुलैरिटी कहते हैं। सिंगुलैरिटी एक ऐसा पॉइंट है जहां डेंसिटी और ग्रेविटी इन्फिनिट हो जाती है और स्पेस टाइम कर्व हो जाता है। पहले हम समझते हैं ब्लैक होल के पार्ट्स को। एक ब्लैक होल के तीन मेन पार्ट्स होते हैं, इवेंट होराइजन, अक्रीशन डिस्क और सिंगुलैरिटी। इवेंट होराइजन वो लाइन या सीमा होती है जहां से कोई भी चीज वापस नहीं आ सकती। सोचिए, ये एक इनविजिबल लाइन है। अगर आप इस लाइन को क्रॉस कर लेते हैं तो आप ब्लैक होल के अंदर चले जाते हैं और वापस नहीं आ सकते। इसलिए इसे पॉइंट ऑफ नो रिटर्न भी कहा जाता है। इवेंट होराइजन के अंदर की सभी चीजें ब्लैक होल के ग्रेविटेशनल पुल से बच नहीं सकती। अक्रीशन डिस्क इवेंट होराइजन के बाहर एक ग्लोइंग डिस्क होती है, जिसे अक्रीशन डिस्क कहते हैं। ये डिस्क गैस और डस्ट से बनी होती है। सोचिए, ये गैस और डस्ट ब्लैक होल की तरफ गिर रही होती है, लेकिन अंदर जाने से पहले ये बहुत तेजी से घूमती है और गर्म होकर चमकने लगती है। ये डिस्क इतनी चमकदार होती है कि हम इसे दूर से देख सकते हैं। अक्रीशन डिस्क में जो गैस और डस्ट होती है वो आपस में टकराते हैं और गर्म होकर एक्सरे रेडिएशन निकालती है, जिसे हम टेलीस्कोप से डिटेक्ट कर सकते हैं। सिंगुलैरिटी। अब बात करते हैं सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट की, जो है सिंगुलैरिटी। ये ब्लैक होल का सेंटर होता है जहां सारी मास सिमट जाती है। सोचिए, सारी मास एक सिंगल पॉइंट में सिमट जाए। यहां पे फिजिक्स के सारे रूल्स फेल हो जाते हैं। स्पेस और टाइम भी यहां अलग तरीके से बिहेव करते हैं। ये एक ऐसा पॉइंट होता है जहां डेंसिटी इन्फिनिट हो जाती है। जब कोई ऑब्जेक्ट जैसे स्पेसशिप या तारे इवेंट होराइजन को क्रॉस करता है तो उस पर एक अजीब प्रोसेस होता है, जिसे स्पेगेटिफिकेशन कहते हैं। मतलब ऑब्जेक्ट इतना पतला और लंबा हो जाता है जैसे स्पेगेटी। ये इसलिए होता है क्योंकि ब्लैक होल के करीब ग्रेविटी बहुत ज्यादा होती है और ये ग्रेविटी ऑब्जेक्ट के एक एंड को दूसरे एंड से ज्यादा खींचती है। इससे ऑब्जेक्ट पतला और लंबा हो जाता है। अब बात करते हैं कुछ इंटरेस्टिंग थ्योरीज की। सिंगुलैरिटी के बारे में अलग अलग थ्योरीज हैं। कुछ साइंटिस्ट्स मानते हैं कि ये दूसरे यूनिवर्सेस के गेटवेज हो सकते हैं। मतलब ये एक वर्म होल भी हो सकता है जो हमें एक अलग यूनिवर्स या स्पेस के अलग पार्ट में ले जाए। सोचिए, ये कितना फैसिनेटिंग है कि एक ब्लैक होल से हम एक अलग यूनिवर्स में भी पहुंच सकते हैं। एक और इंटरेस्टिंग थ्योरी है हॉकिंग रेडिएशन की, जो स्टीवन हॉकिंग ने प्रपोज की थी। इस थ्योरी के मुताबिक ब्लैक होल्स भी धीरे धीरे इवेपोरेट होते हैं। हॉकिंग रेडिएशन के थ्रू ब्लैक होल अपनी मास और एनर्जी खो देता है और अंत में ये बिल्कुल गायब हो सकता है। ये एक बहुत ही अजीब और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ट्रेडिशनली हम सोचते हैं कि ब्लैक होल्स सिर्फ मास को अब्सॉर्ब करते हैं, लेकिन ये थ्योरी कहती है कि वो अपनी मास को रेडिएट भी करते हैं। ब्लैक होल्स का साइज भी अलग अलग हो सकता है। सबसे छोटे ब्लैक होल्स को प्राइमोर्डियल ब्लैक होल्स कहते हैं, जो बिग बैंग के टाइम बने थे। ये बहुत ही छोटे होते हैं, लेकिन इनकी ग्रेविटी बहुत ज्यादा होती है। फिर आते हैं स्टेलर ब्लैक होल्स, जो मरते हुए तारे के कोलैप्स होने से बनते हैं। इनका मास हमारे सूरज के मास से 10 से 20 गुना तक हो सकता है। और सबसे बड़े होते हैं सुपर मैसिव ब्लैक होल्स, जो मिलियन या बिलियन टाइम्स सूरज के मास के बराबर होते हैं। ये गैलेक्सीज के सेंटर्स में मिलते हैं, जैसे हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर में सेजिटेरियस ए एस्टरिस्क एस्टरिस्क नाम का सुपर मैसिव ब्लैक होल है। ब्लैक होल्स का स्टडी करने के लिए साइंटिस्ट बहुत एडवांस्ड टेलीस्कोप्स और डिटेक्टर्स का यूज करते हैं।
2019 में इवेंट होराइजन टेलीस्कोप EHT ने पहली बार एक ब्लैक होल का डायरेक्ट इमेज कैप्चर किया था। ये इमेज एक सुपर मैसिव ब्लैक होल का था जो M87 गैलेक्सी के सेंटर में है। ये इमेज हमारे लिए बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू था और इसने ब्लैक होल्स के बारे में हमारी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाया। अब बात करते हैं ब्लैक होल्स के कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की। क्या आपको पता है अगर आप एक ब्लैक होल के पास गए तो टाइम का एक्सपीरियंस कैसा होगा? ये कॉन्सेप्ट टाइम डिलेशन कहलाता है। ब्लैक होल के पास टाइम बहुत धीरे चलने लगता है, मतलब अगर आप ब्लैक होल के पास गए तो आपको लगेगा कि आप थोड़ा ही वक्त वहां रहे, लेकिन जब आप वापस आएंगे तो बहुत सारा वक्त बीत चुका होगा। ये भी एक बहुत ही फैसिनेटिंग कॉन्सेप्ट है जो आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से रिलेटेड है। ब्लैक होल्स के अंदर क्या होता है, ये अभी तक एक बड़ी मिस्टरी है। हम सिर्फ थ्योरीज और सिमुलेशन से अंदाजा लगा सकते हैं। शायद फ्यूचर में हम इस राज को पूरी तरह समझ पाएं। अभी तक हमारा ज्ञान लिमिटेड है, लेकिन साइंटिस्ट्स इस पर रिसर्च कर रहे हैं और नए नए फैक्ट्स समझ रहे हैं। दोस्तों, ये था ब्लैक होल के अंदर का सफर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलते रहे। कमेंट करके बताएं कि आप अगले एपिसोड में क्या देखना चाहेंगे। धन्यवाद।